देवास की नेवरी में मध्य प्रदेश में होने वाले 17 नवंबर के विधानसभा चुनावों को लेकर कांग्रेस भाजपा प्रत्याशी अपना अपना जनसंपर्क अपनी विधानसभा में कर रहे हैं। इसी के चलते आज हाट पिपलिया विधानसभा 172 से कांग्रेस प्रत्याशी ठाकुर राजवीर सिंह बघेल का जनसंपर्क ग्राम शिवपुर मुंडला बोरखेड़ा गटिया पुनासा मनकुंड होते हुए नेवरी में कांग्रेस कार्यालय का शुभारंभ किया। ठाकुर राजवीर सिंह बघेल का जगह जगह पुष्प वर्षा ढोल नगाड़ा के साथ गाँव में जुलूस के रूप में स्वागत किया गया। वह जगह जगह तिलक लगाकर व साफा बांध कर आशीर्वाद दिया। अब की बार हाट पिपलिया विधानसभा से राजवीर सिंह बघेल के जयकारों के साथ जय जय कमलनाथ जय जय कांग्रेस के नारे लगाए। ठाकुर राजवीर सिंह बघेल ने जनसंपर्क के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के वचन पत्र के बारे में बताया व बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी ने केवल किसानों का शोषण किया है व झूठे वादों से चुनाव लड़ा है। कांग्रेस ने जो वादे किए हैं उन्हें निभाया है। कमलनाथ जी ने वचन पत्र में कई मुद्दों की बातें वचन पत्र में लिखी है व कहा है कि यदि कांग्रेस सरकार बनती है तो हम अपने वचन पत्र को पूरा करेंगे। इस बीच कांग्रेस प्रत्याशी राजवीर सिंह बघेल के साथ कांग्रेस जिला ग्रामीण अध्यक्ष अशोक कप्तान डॉक्टर जगदीश जोशी नेवरी ग्राम पंचायत सरपंच प्रदीप रावल आत्माराम जाट समेत सैकड़ों कार्यकर्तागण मौजूद रहे। नेवरी कार्यालय हमारे मेन कार्यालय हाट पिपलिया और परोठा और तीन जगह से हमने कार्यालय खोले हैं और नेवरी का कार्यालय कुछ समय से लंबित था, कुछ कारणवश से लंबित था। आज उसका उद्घाटन यहाँ पे हुआ है। विधिवत हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ यहाँ के पूर्व सरपंच आदरणीय त्रंबक राव जी बरवे, बीज निगम के अध्यक्ष आदरणीय शांतिलाल जी घामी, आदरणीय प्रदीप सिंह जी बोरखेड़ा, सम्मानीय हमारे अशोक कप्तान जी जिला अध्यक्ष जी, इन सबके द्वारा आज ये उद्घाटन किया है। सारी चुनाव की गतिविधियां देवरी क्षेत्र के पूरी क्षेत्र की यहां से संचालित होगी और सभी कार्यकर्ताओं में अपार जोश व्याप्त है। निश्चित तौर पर कांग्रेस को अच्छी सफलता यहाँ से मिलेगी। धन्यवाद। हाट पिपलिया तहसील से नरेंद्र चौहान की रिपोर्ट।